सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
कीर्तिनी महाभद्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हसदेत्य महाबले घोररूपे महारवे नारायणि नमोऽस्तुते द्रष्टाकालभदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महामिद्रे शत्रे पुष्टे सुते ध्रुवे महारात्रि महामिद्रे नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूते ब्राह्मवितामसि धीयते त्वं वसि देशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूधनम् त्रिशूलम् वातुलोभीतिर्भद्रकाले नमोऽस्तुते हृणंसि ते त्रिदेजांसि स्वनेन पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरासिर्वदा पङ्कचर्चितस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वामृता भयम् अरोगानशेषान्नपः सिदुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया श्वेताम् प्रयान्ति एताकृतम् या करणाम् त्वयाध्य धर्मान्युषाम् देवि महासुराणाम् रूपेरनेके बहुधात्ममोदे कृत्वाम्बिकेतात्तरोति कान्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदेवे श्वतेषु वाक्येषु जगाद्वधन्य मम त्वगते महान्धकारे विभ्रमयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशाच नाग यत्र रयोदासु बलानि यत्र दावानयो यत्र दशाब्धिमध्ये तत्र सिता त्वाम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वाम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोरभेत् नित्यं यथा सुरवसाधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां रशमं नयाशु उत्पादपाकजनिताश्च मोहोपसर्गम् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारणि हे लोक्यवासिनामीढे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं दुर्गणाभरं जन्मस्य शुध त्वं प्रणद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वापाधा प्रशवणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभ्यविनाशनम् देव्योवाच वैवश्वरेन्द्रये प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्यैवान्यामुत्पद्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव तदर्थाशयिष्यामि विन्ध्याचरणिवासुनि गुणरप्यलोत्रेण रूपेण पृथमीतले अवतीर्यहनिष्यामि वेत्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्दाश्रुतानुग्रान् वेत्रचित्तान् महासुरान् हर्तादन्दा भविष्यन्ति दाढमे कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुवन्दोगाहयिष्यन्ति सततम् रक्तसन्धिकाम् भूय च शरभाषिक्यामणामिष्टामणाम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा तदाशरेण नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनि ईदृशन्ति मनुजः शताक्षीमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातम् तदा यास्यामः भवेत्
तत्रैव जगद्धरिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवी इति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं गत्वा हिमाचले अरक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे शोचन्त्यानं प्रमूर्तयः भीमा देवी इति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाभ्यस्ते लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा शङ्खे षट्पदं त्रैलोक्यस्य नाथाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मणेति च मां लोकास्तदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभोत्था भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्यामि संशया कालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होता है उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ध्यान ॐ विद्युत्तामसमप्रभा मृगपदे स्कन्धासिताभीषणा कन्याभिकरबालकेटविरसा हस्ताभिरासेविता हस्ते शक्लगदाशिखेटविशिखा चापुणे बिभ्राणामलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेता भजे ओम दिव्योवाच
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम् अधो केडवनाशं च महिषासुरघातनम् के द्वेष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भन् शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेशवियोजनम् शत्रुदोणाभयम् तस्य दश्यतो वानराजितः न शस्त्रानलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मै मै तन्माहात्म्यम् पठेतव्यम् समाहितेः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्येण हितात् उपसर्गाणशेषासो महामारे समुद्भवान् तथा त्रिफलमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन् मम यत्र पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तैर्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वम् ममैतचरम् उच्चारम् चापमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृतम् प्रति शिक्ष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामहैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा महैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिभवः सञ्चयम् जाते कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दोस्तप्रदर्शने गृहपीडासु शोग्रासु माहात्म्यम् श्रेयान् मम उपसर्गः शमम् जान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वर्णम् च निभेदृष्टम् सुस्वर्णमुपजायते बालगृह विभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जिणीनाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् शेषाणाम् बलहानिकराम्बरम् रक्षोभूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वाङ्गमेतन्माहव्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्गधूपे च गन्धदीपे सतोत्तमैः विप्राणाम् भोजने होमैः भोक्षणे हर्णशम् अन्ये च विविधे भोगैः प्रदाने वस्त्वरेण प्रीते मे क्रियते तस्मिन् सर्गशोचरिते शुने शुरम् हरति पापाणि तथा रोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् जन्मे दुष्टदेत्यर्णिवर्हणम् तस्मिन् श्रुदेभ्ये कृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिः सुतयो या च ब्रह्माशुभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सासु प्रयच्छन्देषु मामते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाने परिवारितः दस्युभिर्वापिताशोणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञाक्रुद्धेन जाग्रतो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महानवे पदसूचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना भर्जितोऽपि वा परन्मये सञ्चैतम् दरमुच्येत सङ्कटा मम प्रभावा सिंहाजा तस्य भो वेरिणस्तु सा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम हरिशोवाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तधीयत देवदेवा निरातङ्गा स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविहतारयः देत्याश्वरेव्याणिहते शुम्भे देवयुधे जगविध्वंसने तस्मिन् महोग्रेतुरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवम् भगवते देवे सान्नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वयि तन्मोह्यते विश्वम् सेव विश्वम् प्रसूयते राजाचिदाच विज्ञानम् दुष्टारिध्यम् प्रयच्छति ज्ञातम् दयेता सकलम् ब्रह्माणम् मण्येश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया
सेव काले महामारी सेव शिष्य भवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् सेव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सेव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायो जायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूप गन्धादियस्तथा ददाति वित्तम् पुत्राश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् ॐ अथ सद्य कुञ्जिका स्तोत्रा शिवोवाच शृणु देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नार्गजम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नानासोणलवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अधिगृह्यतरम् देवे देवानाम् विदुर्लभम् गोपणीयम् प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणमोहणम् वशम् सम्भरोचाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ द्रौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लं शम्भर स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिणि नमः कैटवहारिणे नमस्ते महिषार्दिणि नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातिणि जागतम् हि महादेवे जपम् सिद्धम् करोष्यमे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाये ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका त्रिङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपेण वासुदे चामुण्डा चण्डघाते च यैकारी वरदायणि विच्चे चाभयता नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धाम् धीम् धूम् धूयते हिमर्णि भाम् भीम् भूम् वागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शोमे शुभम् गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिणि जं 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 भणादिणि भ्रां भीं भूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं कं तं पङ्क्यं शं भीं भूं ऐं भीं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय धीर्तं गुरु गुरु स्वाहा भां भीं भूं पार्वते पूर्णा खां खीं घूं भेजरे तथा सां श्रीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिम् करोष्यमे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेणैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीणाम् सप्तशतीम् पठेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनम् यथा अथ दर्जापद्धरसक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुगम्ये नमस्ते जगद्व्यापिके स्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्वपादारविन्दे नमस्ते जगत्पारणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगद्जन्मान नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथदेन ज्योतिषणानुरस्य भयातस्य भेदा जगद्धस्य जन्तो त्वमेकागतिर्दे विनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे वारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेकागतिर्दे विनिस्तारहे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादोषरे
Bye.
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको
ओ सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय, सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से ये प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन, इस मां जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का श्रवण करते हैं, मां की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से भक्तजन धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजन ने जगत माता के शरणागत होकर के जो भी भक्तजन मां की साधना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, मां की अर्चना पूजा करते हैं, मां भगवती का स्मरण करते हैं, मां भगवती को प्रतिदिन जो है नमस्कार करते हैं, इस जगजन ने जगत माता के उन शरणा भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वास्तव में जिन भक्तों पर इस माँ भगवती जगजन की कृपा हो जाती, देव कृपा हो जाती है, जिन पर जो भगवती आदि शक्ति प्रसन्न हो जाती है, उनके समस्त विघ्न बाधा जो है दूर होती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है वह दूर होते हैं, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं और उनकी जो ही मनोवलक्षित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है और इस लोक में ये देवी की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से वह समाज सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में हो जाते हैं। उनके जीवन कभी कोई रोग कोई शोक नहीं होता, उनके जीवन सदा सर्वदा आनंद ही आनंद होते हैं, क्योंकि भगवती जो है जो सचित आनंद रूपा है, सब ओर से भक्तों का आनंद देने वाले, आनंदित करने वाले जो माँ जिन पर प्रसन्न हो जाती है उनका सर्वत्र जो है कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्त का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार बोलो, सच्चे दरबार की जय। तो माँ जिन पर प्रसन्न होती है उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है और जिन भक्तों के देवी की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उनका कभी कहीं अमंगल नहीं होता, क्योंकि
उनकी बुद्धि सदा सर्वदा ठीक निर्णय करती है, कभी गलत निर्णय नहीं करती, कभी उनकी बुद्धि में कोई विकृति नहीं आती, कोई विकार नहीं आते हैं, और सर्वदा इसी प्रकार से सदमार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और ऐसा तभी संभव होते ही जब जगजननी इस जगत माता की कृपा होती है। इसकी कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जो है उन्हें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसकी कृपा के बिना जो है मनुष्य हमेशा कष्ट ही पाता है, क्योंकि जिन पर इसकी कृपा नहीं होती वह साधक वह व्यक्ति जो है वह मनुष्य जो है हमेशा दूसरों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और दूसरा भले ही बड़ा व्यक्ति जो है उसे कितने क्यों न समझाए परंतु उनकी बुद्धि जो है उनके बुद्धि में बात आती ही नहीं। इतने आप जानते हैं कि दुर्योधन के जीवन में भगवान का साक्षात्कार हुआ है, भगवान सामने उसके उसके पास गए समझाने के लिए, बड़ा प्रयत्न किया उसे मनाने के लिए, परंतु दुर्योधन ने एक ही बात भगवान की नहीं मानी, एक ही बात नहीं मानी, और हुआ क्या, सर्वनाश। तो इसलिए जब इसकी कृपा होती है तो ही बुद्धि ठीक प्रकार से वह कार्य करती है, और उनकी बुद्धि में जो कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बात कहता है वह समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। इस धर्म में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि स्वयं जो है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया था। कहते हैं कि एक बार धृतराष्ट्र जो है वे अपने पुत्र दुर्योधन को शोक संतप्त देख करके जो है धृतराष्ट्र ने उससे पूछा था, तुमने जो है महान ऐश्वर्य प्राप्त की है, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, कोई धन संपत्ति की आपके जीवन में कमी नहीं, और तेरे भाई बंधु भाई भी कितने हैं, पांडु तो 5 है, तेरे 100 भाई हैं, और इस प्रकार से सब प्रकार का ऐश्वर्य जो है तुझे प्राप्त है, तो समस्त सुख सुविधा जो है ये उपलब्ध है, और सारे भाई मित्र और सखा संबंधी जो है सभी जो है सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, सभी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी जो है आप प्रतिदिन जो है इस पर शोक में रहते हो, दुखी रहते हो, प्रतिदिन जो मैं देख रहा हूं आप दुर्बल हो रहे हो, कारण क्या है। स्वयं धृतराष्ट्र जो है ये अपने पुत्र से दुर्योधन से पूछते हैं, और दुर्योधन जो है पिता से कहता है कि पिताजी दुधिष्ठिर के जो है महल में जो है प्रतिदिन 10,000 स्नातक ब्राह्मण जो है वहां पर सोने की थालियों में भोजन करते हैं, प्रतिदिन 10,000 स्नातक ब्राह्मण जो है वहां पर प्रतिदिन जो है सोने की थाली में जो है वह भोजन जो है वह करते हैं, उसके पास जो है अद्भुत श्री संपत्ति जो है जी उत्तम संपत्ति जो उन्हें प्राप्त है, और इस प्रकार से उन्हें जो है सभा और समृद्धि जो है जो प्राप्त है, निरंतर जो है इसी कारण से मैं शोक में हूं। वह इस प्रकार समृद्धि को कैसे प्राप्त हो रहा है, इसलिए देखिए अपने पास जो होता है उसका हम सुख भोगते ही नहीं, घर में जो कुछ पर्याप्त है उसका हम सुख भोगते नहीं, और दूसरे के पास जो है उसके लिए हम शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, इसके पास क्यों है। इसलिए सारे जीवन भर जो है सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि उसकी कृपा से उस जगजननी जगत माता के आशीर्वाद से जो आपको प्राप्त है, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझो, पर्याप्त मानो, उसकी कृपा जो प्राप्त है उससे संतोष करो, संतोषम परमम सुखम, और संतोष में ही परम सुख है, और खूब भक्ति करो, क्योंकि जीवन जो क्षण भंगुर है। जन्मे जी ने भी ये प्रश्न किया था महर्षि व्यास जी से कि हमारे आप पूर्वज हैं, पांडव और कौरव जो है हमारे पूर्व जो थे
कोई अनपढ़ मूर्ख नहीं थे, सब ज्ञानी थे, भगवान भी थे, आप भी थे, तो भी आप उनको समझा नहीं पाए। एक जमीन के टुकड़े के लिए, संपत्ति के लिए परस्पर जो लड़ मरे। तो समय कहते हैं कि व्यास जी ने भी जो है जन्मेजी को यही उत्तर दिया था, ये सब काल की प्रेरणा से होता है, करने कर वही है जो उन्हीं की लीला है। इसलिए वह दुर्योधन जो कह रहे हैं, इस कारण से मैं दुखी हूं, बड़ा कष्ट में हूं, सब कुछ दुर्योधन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तो भी जीवन भर दुखी रहा। ना धन संपत्ति की कमी थी, राजमहल सब कुछ जो है सब कुछ प्राप्त था, तो भी दूसरे का छीनने के लिए हमेशा दिन रात प्रयत्न करता रहा और जीवन भर यही किया। इसलिए इन कथाओं से मुझे शिक्षा मिलती है कि उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त है, उसको सबसे पहले सूत्र है जीवन जीने का, उसको पर्याप्त माने और उसी में संतोष करें और खूब उसकी भक्ति करें। आपके जीवन किस चीज की कमी आएगी नहीं। और दूसरों की वृद्धि के लिए है, दूसरों के वधे के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए जो है प्रयत्न करें, जो दूसरे लोग जो है सुखी हो जाए। जो दूसरों के लिए सुख की कामना करते हैं, उनका जीवन अपने आप सुखी रहता है, क्योंकि सुख देने से ही सुख मिलता है, दुख देने से ही दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। तब जो है दुर्योधन ने कहा कि पिता, इसलिए मैं दुखी हूं। तब स्वयं जो है धृतराष्ट्र से समझाते कहते हैं कि बेटा, मैं तुझे एक बात बतलाता हूं, एक कथा सुनाता हूं, जो उपाख्यान जो है, उपाख्यान जो है ये देवर्षि नारद जी ने बतलाया था, उस बात को बतलाता हूं, उसको ध्यान पूर्वक जो है आप सुनना कि एक बार इंद्र जो है उसका राज्य जा चुका था, त्रिलोकी का राज्य जो था प्रहलाद का था। तो इंद्र जो थे गुरु बृहस्पति के पास गए और जाकर के उनसे प्रार्थना की, महाराज मुझे श्री का ज्ञान चाहिए, श्री क्या है। तब बृहस्पति ने जो है उन्हें श्री का ज्ञान दिया और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो है फिर इंद्र ने उनसे कहा, महाराज इससे भी कोई विशेष ज्ञान है श्री का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस ज्ञान को जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जानते हैं, उनसे प्राप्त कीजिए। तो कहते हैं देवराज इंद्र जो है गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा पहुंचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनसे प्रार्थना विनम्र प्रार्थना की, मुझे श्रेय का ज्ञान दीजिए। तो शुक्राचार्य ने उनको श्रेय का ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो है तब इंद्र ने उनसे भी प्रश्न किया, महाराज इससे भी कोई विशेष जो श्रेय का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसका ज्ञान जो है वह प्रहलाद जी को है, प्रहलाद जी से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है देवराज इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर करके प्रहलाद जी के पास आए, आकर के उनको प्रणाम किया और प्रार्थना की, महाराज मैं आपसे श्रेय का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा, देखो त्रिलोकी का राज्य मेरे पास है और राज्य का कार्यभार संभालते हुए जो है मुझे तो एक क्षण भी फुर्सत नहीं बैठ करके मैं आपको ज्ञान दे सकूं, मेरे पास तो समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता। तब ब्राह्मण के रूप में देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, महाराज आपको जब जब फुर्सत हो, जब आपके पास समय हो, तब मुझे जो है आप ज्ञान देना, मैं यही रह करके आपकी चरण सेवा करूंगा, मुझे श्री का ज्ञान प्राप्त करना आपसे जब आपके पास समय होगा। तो उसके विनम्र भाव से जो है जब विनम्र युक्त होकर के उसके बाद शरणक धोकर उनसे जब प्रार्थना की, तो कहते हैं प्रहलाद उस पर प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको ज्ञान देता हूं। बोल सच्चे दरबार की जय।
उन्होंने शेख उनको ज्ञान दिया। इस प्रकार से सब ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो है, तब जो है देवराज इंद्र ने जो उनसे प्रश्न किया, महाराज मुझे बतलाइए क्या आपको जी कि लोकी का राज्य जो है ये कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार से आपने जो सब प्रकार के सुख जो प्राप्त किए हैं और अपने जीवन आप आनंदित हैं प्रसन्नचित हैं, कोई चिंता नहीं आपके जीवन में, ऐसे प्रहलाद जो है जी दैत्य कुल में भगवत भक्त हुए, क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। तो लोकी का राज्य प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, जो देवराज इंद्र जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रांत जो है, तब जो है उनने कहा कि मैंने सदा सर्वदा मैं राजा हूं, ये अहंकार जो है कभी अपने अंदर आने ही नहीं दिया, मैं राजा हूं कभी दूसरे का अपमान नहीं किया, ये अहंकार जो कभी अपने अंदर आने ही नहीं दिया, सदा सर्वदा बड़ों का सम्मान किया है, गुरुओं का आदर सत्कार किया और ब्राह्मणों का सम्मान किया, उनका पूजन किया, उनको प्रणाम किया है, उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, क्योंकि आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद। आप माँ के दरबार में आते हैं किस लिए, क्या माँ के दरबार में जाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद से ही जो समस्त पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन सुखी होता है। मैंने कभी जो है ब्राह्मणों का अनादर नहीं किया है, ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, किसी के जो है कभी मैं दोष नहीं देखता। बहुत सारे लोग हैं हमेशा कभी आपको बात कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति आपके दोष निकालेगा, जहां पर गलती है जहां गलती है। मैं हमेशा दूसरे में गुण देखता हूं और उन गुणों को मैं ग्रहण करता हूं, दोष नहीं, दोष उसी के पास रहे जो भी है, पर जो उसके पास गुण है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे कैसा भी है, कितने भी बुरे कर्म करने वाला क्यों ना हो, परंतु उसमें भी कोई ना कोई गुण जो है अवश्य होता है, उसका गुण जो है वह ग्रहण करने योग्य होता है। तो गुण ग्राही बनो, इसलिए मैं कभी किसी में दोष जो है नहीं देखता, और ब्राह्मण के मुख में जो है जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य जो है वही जो है इस पृथ्वी पर जो है वह अमृत है और वही जो है सर्वोत्तम नेत्र है, और राजा को जो है इसी अमृत वचन को जो है के अनुसार ही अपना व्यवहार जो है यही करना चाहिए, इतना ही श्रेय है, यही श्रेय है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो श्रेय का ज्ञान जो उन्होंने जो है उसे दिया, यही जो श्रेय का ज्ञान है, जिसे बतलाते हुए जो है अब जो है उन्होंने फिर उनको प्रणाम किया कि आपसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, बड़ी सेवा की उन्होंने प्रहलाद की। प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर जब इंद्र ब्राह्मण रूप में उनसे विदा लेने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा से आपकी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो अपने इच्छा अनुसार जो है मुझसे आप वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान मांगने के लिए कह दिया, तब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये शील जो है उन्होंने जो प्राप्त कैसे प्राप्त किया है और ये शील उसे प्राप्त है इसलिए सब प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई है। तब जो है इंद्र ने कहा, भवता शीलम इच्छामि प्राप्तम एष वरो मम, मैं आपका यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे अपना शील जो है मुझे दे दीजिए, मैं आपका शील चाहता हूं। उसने कहा तथास्तु, शील दे दिया। अब जो है देवराज इंद्र जो है वहां से प्रस्थान किया, उसके बाद जो है प्रहलाद जी बैठे हुए थे, एक एक उनके शरीर से तेज निकला जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ था, और देखते तेज निकला और तेज जो था मनुष्य के शरीर में के रूप में जो परिणत हुआ उसे देख करके प्रहलाद ने पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने कहा महाराज मैं शील हूं, मेरा आपने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया है, इसलिए जिसको आपने जो वरदान दिया है मैं उसी के शरीर में प्रवेश करूंगा। तो शील निकलकर उसके शरीर से चला गया, उसके प्राण जो है कहते हैं फिर तेज निकला, तो उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं धर्म हूं, जहां शील है वही धर्म है, आपने शील का त्याग किया तो मैं भी वही जा रहा हूं उसी में।
जिसका आपने जो ज्ञान दिया है मैं भी उसी में जा रहा हूं, तो धर्म ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया। उसके उपरांत जब फिर जो है उसके शरीर से तेज निकला और उससे जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तब उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूं। जहां शील है, जहां जो है धर्म है, वही सत्य है, इसलिए मैं भी वही जा रहा हूं। तो सत्य भी चला गया। उसका फिर जो तेज निकला तब उससे जब उन्होंने पूछा तब तो आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं सदाचार हूं। जहां शील है, जहां धर्म है, जहां सत्य है, वही सदाचार होता है। तो सदाचार भी वहां से उसके शरीर से निकल करके चला गया उसके जीवन से। उसके प्राण जो है बल जो था फिर तेज निकला, बल उसने कहा कि मैं तो बल हूं, वह भी चला गया। उसके बाद जब फिर तेज निकला तब जो है वह कन्या के रूप में, उसे पूछा कि देवी आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं। जहां शील है वहीं मैं विराजमान रहती हूं, जहां बल है वहीं पर मैं रहती हूं। इस प्रकार जहां धर्म है, सत्य है, सदाचार है, बल है, वहीं पर मेरा निवास है। जब आपने इन सबका जो इसका शील का त्याग कर दिया, इसलिए मैं भी जो है वहीं जा रही हूं जहां जे सब गे, उसी के पास जिसको आपने जो है जी वरदान दिया है, जिसको आपने जो ज्ञान दिया है, उसी के पास मैं जा रही हूं। तब उसने पूछा कि देवी मुझे ये तो बतलाओ कि जिसको मैंने ज्ञान दिया है, जिसने मुझे जे शरीर का ज्ञान जो जिसने प्राप्त किया है, वह था कौन? पता ही नहीं वह कौन था, वह था कौन? तब लक्ष्मण ने कहा वह देवराज इंद्र थे, आपका सब कुछ ले गए। बोलो सच्चे दरबारी की जय। तो लक्ष्मी बोली प्रभु तुमने जो है जिसे उपदेश दिया वे जो है ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे, बस साक्षात इंद्र थे। तुमने जो है शील के द्वारा ही तीनों लोकों का राज्य जो प्राप्त किया शील के द्वारा, और वही आपने उसे दे दिया। अब जिस सब जो है त्रिलोक का राज्य अब इंद्र का होगा। बोलो सच्चे दरबारी की जय। आपने जो है इस शील के द्वारा ही विजय प्राप्त पाई थी, विजय प्राप्त की थी, और जो है जे जानकर ही इंद्र ने जो है तुम्हारे शील का हरण कर लिया। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी जो है ये सब जो है सदा शील के ही जो है आधार पर जो है जे रहते हैं। शील ही जो है इन सब का जो है जे मूल है, जिसके अंदर शील है उसको ये सब प्रकार की सिद्धि जो प्राप्त होती है। वहीं पर धर्म है, वहीं पर जो है सत्य है, वहीं सदाचार है, वहीं पर मैं लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती हूँ, और वहीं पर जो है सब ओर से रिद्धि सिद्धि रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथा हम शील मूला महाप्राज्ञा सदा नास्त्र संशय। इसमें किसी प्रकार की संशय समझना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है धर्म है, सत्य है, शील है, वृत्त है, बल है, और इस प्रकार से वहीं पर मैं लक्ष्मी भी विराजमान रहती। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा ज्ञान देते हुए दुर्योधन को धृतराष्ट्र समझा रहे हैं कि बेटा जीवन में याद रखना, वह तो नेत्रहीन थे, तो ये पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि बेटा जीवन याद रखना मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से कभी द्रोह न करना, कभी वैर न करना, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से किसी का कभी बुरा करना, बुरा सोचना कभी मत सोचना, और हमेशा जो है दया करना दूसरों पर, प्रत्येक प्राणी पर जो है दया का भाव रखना, और यथाशक्ति जो है दान देना, ये जो है यही शील है। जो दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, किसी द्वेष नहीं करते हैं, किसी शत्रुता नहीं करते हैं, और इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए दूसरों पर दया करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, संसार में वो ही प्रशंसनीय। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान ने भी समझाया था और स्वयं पिता भी पुत्र को समझा रहे हैं, परंतु एक ही बात जो है वह दुर्योधन की बुद्धि में नहीं पड़ी, किया उसने वही जो उसकी बुद्धि में था। पांडव जो है वह उनके अंदर शील था, और इस प्रकार से वह प्रशंसनीय हुए। कुछ था नहीं था, वन में रहते थे तो भी अतिथि सेवा करते थे,
इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि कल्याण का मनुष्य को जो है, यदि जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन ज्यादा सुख चाहते हैं, उसे प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस जग जन जगत माता के शरणागत होकर के इस शक्ति की उपासना करें। क्योंकि जो बांझ जगजन्य जगत माता जो है, ये आदि शक्ति जिन पर प्रसन्न हो जाती है, उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों की देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं, उन्हीं का सर्वत्र जो है मंगल ही मंगल होता है। देवता इसी शक्ति की उपासना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और जो भक्ति भगवती जब तक देवों पर प्रसन्न रहती है तो उनके भी जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। जब जो रुष्ट होती है तो देवतों का राज्य भी चला जाता है। इंद्रा देवतों का राज्य चला जाता है, स्वर्ग से बहीन हो जाते हैं, वहां पर देवतों का राज्य हो जाता है। इसलिए फिर भगवती प्रसन्न, क्योंकि जब जब व्यक्ति जीव जो है अहंकार करता है, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। बोलो सच्चे दरबारी की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। निवेदन कर रहा श्री सुरेश मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्त संकीर्तन सहयोग देना सम्मिल कर बुलाते हैं। अलवी जाते हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शिरोमणि मैया जी का, सच्चे दरबार की जय। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मैं माँ के दर को चली, चली मैं माँ के दर को चली, चली मैं माँ के दर को चली, चली मैं माँ के दर को चली। मेरी माँ का संदेश आया, चली मैं माँ के दर को चली। मेरी माँ का संदेश आया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली माँ के दर को चली। काले सभी हाथ खोल कर लगा दिले तारेंगे। काले के बाद माँ के दरबार पर पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें। आपके झोली भरे, आपकी मर्यादा पूरी करें, आपका जीवन ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा, ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा, ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा, ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा। भक्तों के जीवन का जो द्वारा, भक्तों के जीवन का जो द्वारा, भक्तों के जीवन का जो सहारा, भक्तों के जीवन का जो द्वारा। मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं माँ के दर को चली। मेरे बार बार सपनों में आया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। मुझे अम्बे मैया ने बुलाया, चली मैं माँ के दर को चली। चरणों पे मैया के जाऊं बलिहारी, चरणों पे मैया के जाऊं बलिहारी, चरणों पे मैया के जाऊं बलिहारी,
चरणों ने ऐसा चरणों ने दीवाना बनाया चली मैं माँ के दर को चली चरणों ने दीवाना बनाया चली मैं माँ के दर को चली मुझे अम्बे मैया ने बुलाया चली मैं माँ के दर को चली मुझे अम्बे मैया ने बुलाया जग से जी भर आया चली मैं माँ के दर को चली जग से जी भर आया चली मैं माँ के दर को चली मुझे अम्बे मैया ने बुलाया चली मैं माँ के दर को चली चली मैं माँ के दर को चली चली मैं माँ के दर
जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय। मां तेरी पूजा तेरी पूजा करे संसार भवानी तेरी जय जयकार। मां तेरी पूजा करे संसार भवानी तेरी जय जयकार। शक्तिशाली मां शक्तिशाली शक्तिशाली मां शक्तिशाली ओ तू ही ज्वाला ज्योतों वाली तू ही ज्वाला ज्योतों वाले ओ ज्योतों वाली मां ज्योतों वाली ज्योतों वाली मां ज्योतों वाली ओ नैना देवी चिंतपूरनी ईश्वरी कांगड़े वाली ईश्वरी कांगड़े वाले माँ तेरे रूप हजार भवानी तेरी जय जयकार। माँ तेरे रूप हजार भवानी तेरी जय जयकार। तेरी पूजा करे संसार भवानी तेरी जय पूजा करे संसार भवानी तेरी जय जयकार। तुझे चामुंडा कहते सारे तुझे चामुंडा कहते सारे वो कहते सारे माँ कहते सारे कहते सारे माँ कहते सारे वो बगुला मोती तेरे रंग ने आरे बगुला मोती तेरे रंग ने आरे वो रंग ने आरे माँ रंग ने आरे रंग ने आरे माँ रंग ने आरे ओ मनसा माँ करे मनसा पूरी मनसा माँ करे मनसा पूरी बाला सुंदरी भव से तारे बाला सुंदरी भव से तारे माँ शीतला देती प्यार भवानी तेरी जय जयकार। शीतला देती प्यार भवानी तेरी जय जयकार। तेरी पूजा करे संसार भवानी तेरी जय जयकार। तेरी पूजा करे संसार भवानी तेरी जय जयकार। तेरी महिमा है तेरी महिमा है तेरी महिमा है अपरम पार भवानी तेरी जय जयकार। महिमा है अपरम पार भवानी तेरी जय जयकार। वो दिल्ली में है झंडे वाली झंडे वाले वो झंडे वाली मां शेरों वाली दर पे आए
पे आए तेरे सवाली, वो तेरे सवाली माँ तेरे सवाली, तेरे सवाली माँ तेरे सवाली, ओ विंध्यवासन कृपा करती, विंध्यवासन कृपा करती, विंध्यवासन कृपा करती, विंध्यवासन कृपा करती, ओ कैला देवी दुखड़े हरती, कैला देवी दुखड़े हरती, माँ सबके माँ सबके माँ सबके भरे भंडार, भवानी तेरी जय जयकार, सबके भरे भंडार, भवानी तेरी जय जयकार, तेरी पूजा माँ हो तेरी पूजा माँ, तेरी पूजा करे संसार, भवानी तेरी जय जयकार, पूजा करे संसार, भवानी तेरी जय जयकार, बड़े विचित्र रूप माँ तेरे, बड़े विचित्र रूप माँ तेरे, रूप माँ तेरे, रूप माँ तेरे, रूप माँ तेरे, अद्भुत अजब स्वरूप 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 माँ तेरे, ओ मेरे मन के मिटा दो अंधेरे, मेरे मन के मिटा दो अंधेरे, ओ मेरे मन के मिटा दो अंधेरे, मेरे मन के मिटा दो अंधेरे, सोए भाग जगा दो मेरे, सोए भाग जगा दो मेरे, ओ सोए भाग जगा दो मेरे, सोए भाग जगा दो मेरे, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ खड़े तेरे द्वार, भवानी तेरी जय जयकार, हाथ जोड़ खड़े तेरे द्वार, भवानी तेरी जय जयकार, तेरी पूजा माँ हो तेरी पूजा माँ, तेरी पूजा माँ हो तेरी पूजा माँ, तेरी पूजा करे संसार, भवानी तेरी जय जयकार, पूजा करे संसार, भवानी तेरी जय जयकार, तेरी महिमा है, तेरी महिमा है, तेरी महिमा है अपरम पार, भवानी तेरी जय जयकार, 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 जयकारा शेरों वाली जी का दरबार, सच्चे दरबार की जय, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हे भक्त वत्सला मां, भक्त वत्सला मात मात आई जाके वाली हाजरियां, हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, हाजरियां हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, विष्णु हाजर नीलकंठ विपुरारी, त्रेतर युग में राम जी आए स्वापर कृष्ण मुरारी, त्रेतर युग श्री राम जी आए स्वापर कृष्ण मुरारी, ब्रह्मा हाजर विष्णु हाजर नीलकंठ त्रिपुरारी, ब्रह्म
महाज विष्णु महाज नीलकंठ त्रिपुरारी सब श्री राम जी आए कृष्ण मुरारी रेता विच श्री राम जी आए द्वापर कृष्ण मुरारी मां भक्ता दे मन चाक मां भक्ता दे मन चाक मात आई जाके वाली हाजरिया परवान करो मां हाजरिया 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 परवान करो मां हाजरिया और तेरे के पीर बोली और देवते सारे वाटरे से पीर बोलिए और देवते सारे सब दे पार उतारे शक्ति दी शक्ति ने दिते सब दे पार उतारे करो मेहरा दी बरसात करो मेहरा दी बरसात मात आई जाके वाली रात हाजरिया परवान करो महाजरिया हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजरिया हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजरिया मैं भुल नार भवानी भुल चुप माम करनी मैं भुल नार भवानी भुल चुप माम करनी जागत दीना पापर लाल चरनी शरण आए शरणागत दीमा पापर लाल चरनी मैं ऊन वाली प्रभा प्रभात भात आई जाके वाली रात हाजरिया हाजरिया परवान करो हाजरिया हाजरिया परवान करो हाजरिया 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 परवान करो हाजरिया हाजरिया परवान करो हाजरिया हे भक्त ढोल सच्चे दरबार की जय बंदक कंचन रुचिराक्ष माला पाशा कुशाचर दान जवाहु दंड विप्रानमंद शकला भरणं त्रिनेत्र अर्धंग केश मनिषं बपुरा श्रयामी सच्चा वाली माता तेरी सदा ही जय मां भक्ति की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में मां के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में मां के चरणों में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मां भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतति भवन भवे श्रीमान सस्वी भवे प्रज्ञा भवन भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे
तेजस्वी भव धैर्य धर्म दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यत है सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुना बुद्धिनाशोस्त मित्रणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमान महीयति धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपका सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निस दिन जावत हरे ओम जय चरारत भरू
मैया तुम ही हो भरता भसन की दुख हरता सुख संपत्ति करता फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामा गौरी मैया जय मंगल जननी मैया जय आनंद जननी ओ मैया जी को नित दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी माता देवी सदा ही जय सर्वमन अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। कमल बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। 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 ओ जय माता दी। 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 ओ जय माता दी। 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 ओ जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय जय अम्बे 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 दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखं देहि में परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि यशो देहि द्विजो देहि ॐ ऐं ह्रीं
क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कृत में गुरु जी को वंदना, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया तो पहल जो सतगड़ी जो चरना धा जान जय गुलशन
పద్మం ధనుష్ కుండికా దండం శక్తిమసింహ ధర్మజలజం ఘంటాసురావాజనం శూలం రాజసుదర్శనే జగతి హస్తే ప్రసన్నాయనాం సేవే సేవమర్దనీ లక్ష్మీ సరోజస్థితాం ఘంటా శూలహరాని చక్రం తను సాయకం అక్షాదేతరపింకరాంత విలస శీతాచల్యా ప్రభాం ఘోరీ దేవ సమద్రవాం విజగత ఆధార భూతామహ పూర్వాసరస్వతీ మధువాగే శంభాది విచారిణి తుమేవ మాతా పితా తుమేవ తుమేవ బంధు తుమేవ విద్యా జైనం తుమేవ తుమేవ సర్వం దేవ దేవ శాంతాకారం దుర్గ శయనం స్వరావం సురేశం విశ్వాధారం గగన సద్విజం మేఘవర్ణం సుభాంగ లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి విద్యానభంగం వందే విష్ణు భవరణం సర్వలోకేకనాథం ప్రస్తుతం కేశవం రామనారాయణం శ్రీధరం మాధవం కృతికాబల్లహం కార్కీ హరే మురారే ముఖే ద్వారే గోవింద గోపాల మాఖన్ కిశోరే జ్ఞానం పదే శరణం పదే విద్యా పదే వరవ నమస్తే సత్యా జ్యోతా బాలీ మాతా తేరీ సదా పంచఫూలా రాణీ మాతా తేరీ సదా సర్వదా బలా కన్న వాలీ మాతా తేరీ సదా సారే సంసార విశ్రాంతి దేని వాలీ మాతా తేరీ సదా గులా చుకా మాఫ్ కన్న వాలీ మాతా తేరీ సదా గుపా విచ్ నివాస్ కన్న వాలీ మాతా తేరీ సదా లోంకడా బీఠా గుర్ తేరీ సదా बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव बोलो बाबा की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मन के लिए प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली दा।